हाउ एन यू आर गिविंग एग्जाम इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कोई नहीं ठीक है ओके तो क्या सोच के आए हो कि हम क्या पढ़ाएंगे हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे yes. पढ़ाएंगे या बताएंगे कि कैसे पढ़ाएंगे कैसे अच्छा कैसे पढ़ना है बताएंगे ओके तो बुक उठाओ पढ़ना शुरू कर दो इसमें अच्छा सोर्सेस भी नहीं पता तो इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब प्रोसेस में पिछले पांच हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग सिंस सिंस लास्ट लास्ट मंथ्स मंथ्स अच्छा ओके तो आपकी सेशन से क्या एक्सपेक्टेशन आप क्या सोच के कि आप छह महीने से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं राइट तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी तो इस सेशन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या हम ऐसा यहाँ पे आ, क्या चीज सीखने आए हो या क्या आप सोचते हो कि ऐसा आएंगे यहाँ पे जान जाएंगे और हम क्रैक कर देंगे एग्जाम कुछ तो सोच के आओगे ना तो बताओ रिलैक्स रहो मतलब घबराने की बात नहीं है सब क्योंकि हम मुझे ही बताना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करके आ देखो एक तो होता है कि हम आए इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिए ठीक है सौ घंटे लगे और आपका इकोनॉमिक्स कम्प्लीट ठीक है लेकिन आज का सेशन में हम इकोनॉमिक्स प्योरली नहीं पढ़ाने जा रहे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर कि क्या करना है कैसे करना है क्या करना है क्या नहीं करना है क्या करेंगे तो ईजिली कम्प्लीट हो जाएगा सिलेबस ठीक है ना यही सेशन है ना तो आई होप कि आप लोग इस चीज से अलाइन्ड हो है ना ओके okay. ठीक है सो यू ऑल हैव सीन द सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर देखियो क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हो ओके okay. तो पहला काम ये करना है कि घर जाके लास्ट एट टू टेन इयर्स का क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके अपने रीडिंग टेबल पे रख लेना ठीक है और क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर जो है ट इज द बेस्ट गाइड फॉर यू ठीक है उससे आप डेविएट भी होते हो पता चलता है कि आ, किस तरह की चीजें पढ़नी है और नहीं पढ़नी वन टाइम एक्टिविटी ऐसा नहीं कि आप एक दिन देख लिए हो गया नहीं की ठीक है रेगुलर बेसिस पे कुछ जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ठीक है अब दिमाग में थॉट आएगी हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं गो एंड रिफर दैट थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में आपके बैकग्राउंड में है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते सब्जेक्ट में तो जब आप पढ़ते हो सब्जेक्ट तो आपको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है अदरवाइज यू इट ठीक है जैसे मान लो आपने कई बुक शॉप पे गए एंड यू परचेज मैगजीन और सम अदर बुक ठीक है यू परचेज मैगजीन और सम बुक तो आप पढ़ना शुरू किए तो कंटेंट है क्योंकि आज के डेट में कंटेंट की कमी तो है नहीं सो मच ऑफ कंटेंट ये भी एक चैलेंज हो चुका है, है ना तो आप पढ़ना शुरू किए आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रेलिवेंट भी है या नहीं है तो हुई यू द्वेश्चन पे ठीक है तो आपको डे टू डे वो आपको हेल्प करेगा आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हो आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपको कैसे समझ में आया इसको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए रेलिवेंट है अगर आपको पता है कि अच्छा कैसे क्वेश्चन आते हैं तो दैट हेल्प्स यू ठीक है और एक बात देखने की बात नहीं है इफ यू रेफर इट रिपीटेडली तो आपके एक जहन में आया था कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है इस तरह की चीजें रेलिवेंट है इस तरह की चीजें रेलिवेंट नहीं है ठीक है सो प्लीज मस्ट सी द क्वेश्चन पेपर क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी बताते हैं और वट एवर आई एम गोइंग टू से इट हीयर वो कोई ऐसा मैजिक वर्ड नहीं कि हम बता देंगे और आप पढ़ लोगे और हो जाएगा ऐसा नहीं है ठीक है उसके बैकग्राउंड में अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वाड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो ठीक है तो क्वेश्चन पेपर आप प्रिंट करके अपने टेबल पे रख लो एटलीस्ट एटलीस्ट लास्ट एट इयर्स का आई विल बी मोस्टली फोकसिंग ऑन की इकॉनमीनॉमी कैसे पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए अच्छा एक चीज ऑनेस्टली बताना कि इतने यूट्यूब पे वीडियो हैं कि कैसे तैयारी करें टॉपर्स के हैं टीचर्स के हैं उसके बाद भी जरूरत पड़ती क्या कैसे वो कंफ्यूजन ज्यादा है। कोई कुछ तो हम भी कुछ बोलेंगे देखो कोर्स कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता हम भी कुछ बोलेंगे ही है ना मतलब देखो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं मतलब मुझे रियली में लगता है कि यार इतने YouTube पे वीडियोस हैं कि कैसे तैयारी करें टॉपर्स भी हैं कैसे तैयारी करें तो मुझे लगता है कि फिर भी इंटरेस्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं जानने में यहां भाई आप आए हो तो आप टाइम दे रहे हो राइट तो कोई हेल्प होता है कि फिर भी उसके बावजूद भी आप यहां हो कि कैसे तैयारी करें क्या करें क्या ना करें ठीक है तो ऑलरेडी जब इतनी इंफॉर्मेशन है तो जरूरत पड़ती है इस तरह के सेशंस की क्योंकि मेरे लिए रिक्वायर्ड है मेरे अपने लिए मैं जानना चाहता हूं हाँ बताओ तो अच्छा इंटरेक्ट करना का मौका हम्म राइट right गाइड आपको कैसे पता कि मैं राइट right गाइडेंस दे दूंगा और यूट्यूब वाला वो गलत है तो वही तो हम बता रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं बहुत सारे वर्कशॉप हम यहां भी ये भी एक वीडियो बन के आ जाएगा यूट्यूब पे है ना ये भी हाँ तो टू वे अच्छा टू वे कम्युनिकेशन मतलब यहां पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं मोस्टली यही है राइट ओके ओके ठीक है तो देखो एक सही तरीका होता है देखो यू नो दैट यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा वेग है बहुत एग्जैक्ट सिलेबस देख के नहीं आइडिया लगता है कि क्या एग्जैक्टली ये पढ़े या ये छोड़े राइट सिलेबस बहुत ज्यादा एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं देता है एंड खास करके प्रसिलिंस में प्रिलिन्स में तो इट से नीथिंग इट जस्ट राइट क्या है इकोनॉमी का सिलेबस इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ये सोशल डेवलपमेंट ऐसे करके अब उससे कुछ नहीं पता चलता है ठीक है उसके लिए क्वेश्चन पेपर इज मस्ट इनफैक्ट फैक्ट वेन आई थॉट कि यार इकोनॉमी पढ़ाना है तो सिलेबस तो में प्रिलिम्स की चीज देन आई सॉ लास्ट फिफ्टीन ईयर क्वेश्चन पेपर एंड बेस्ड ऑन दैट आई डिजाइन सिलेबस कि हाँ ये चीज पढ़ना चाहिए चीज एंड देन इट गॉट रिफाइंड हर साल होती है इसलिए आपके लिए भी क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है ठीक है तो प्लीज क्वेश्चन पेपर वाला चीज आप नहीं मिस करिएगा और हम लोग कुछ यहां पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ठीक है ओके सो द फर्स्ट स्ट्रेटेजी कोई भी सब्जेक्ट आई फील नॉट ओनली इकॉनमी तो पहले यू मस्ट कंप्लीट द सिलेबस प्रॉपरली डोंट सेग्रीगेट इट इन प्रिलिम्स सेग्रीगेट करके मत पढ़ो कि पहले मैं प्रिलिम्स की तैयारी करूंगा और फिर मीन्स की तैयारी करूंगा ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी ठीक है ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी पहले हम प्रिलिम्स की तैयारी करेंगे और फिर मीन्स की अच्छा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हियर हिंदी सब लोग समझते हो ओके okay. किसी को जो नहीं समझ में आती हिंदी यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी नॉट एट ऑल नॉट अ सिंगल वर्ड ओके चलो फिर हम हिंदी बोलेंगे नहीं क्लास के बाद हिंदी बात करेंगे हाँ सो वॉट आई वॉर से डोंट सेग्रीगेट योर प्रिपरेशन इन टू प्रिल्स ठीक है सेग्रीगेट नहीं कर फर्स्ट यू नीड टू कवर योर सिलेबस थॉरली यू नीड टू कवर योर सिलेबस थॉरली प्रॉपरली बिकॉज देर इज अ वे To complete that subject, okay. once you segregate that this should be studied in prelims and this should be studied in mains, then it becomes difficult for you to understand. And in the last few years, UPSC also is not exactly saying key from these topics it will be asking prelims question only because they have started asking prelims or mains questions from any topic. So the whole economy, even prelims questions are also coming, and mains questions are also coming.

देखो कैसे पढ़ना है इसका क्या आंसर होता है या कैसे पढ़ना है देर आर स्टैंडर्ड बुक्स इन द मार्केट देर आर स्टैंडर्ड क्लासेस इन द मार्केट अटेंड द क्लास रीड द बुक विच क्लास टू अटेंड वो आपका डिसीजन है विच बुक टू फॉलो दैट इज ऑल्सो योर डिसीजन है ना डाउट <laughs> नहीं रखो ठीक है अच्छा आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो राइट right? ओके okay. तो सही जगह आ गए हो तो चिंता नहीं करो ठीक है डोंट वरी हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं सो दो ऑल ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू स्टडी हियर और हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन हियर तो आपको कुछ सोचना ही नहीं जस्ट सिट एंड रिलैक्स ठीक है

तो सी फॉर इवन फॉर सी सेट दिस इज रिक्वायर्ड है ना हा दैट इज फाइन बट अब तो स्ट्रॉन्ग करना होगा ना हा सो सिंपल कैलकुलेशन मैथ्स अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू नो एनीथिंग बिफोर कमिंग टू द क्लास एंड प्लीज डोंट रीड एनीथिंग बिफोर कमिंग टू द क्लास डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ ठीक है यहां आओगे आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रेच कहा से क्या पढ़ना छोड़ो कोई बात नहीं तो हाउ टू स्टडी तो देखो देर इज अ पर्टिकुलर वे टू स्टडी इकॉनमी इफ यू फॉलो दैट योर लाइफ बिकम्स ईजी यू डोंट गेट कन्फ्यूज ठीक है यू डोंट गेट कन्फ्यूज अभी क्या है कि कन्फ्यूजन के लिए देर आर यू नो दैट कि अगर गुरु जो है वो गड़बड़ मिल जाए तो फिर लाइफ भी गड़बड़ हो जाती राइट सो द ओनली वे दैट यू देखो दे आर लेट मी वेरी ट्रांसपेरेंट दे आर लॉट्स ऑफ सोर्सेस लॉट्स ऑफ टीचर्स ठीक कुछ अच्छे भी हैं और कुछ में भी नहीं भी तो ऑफकोर्स यू इफ यू गेट स्टक समेयर ठीक है अगर कहीं गड़बड़ी जगह पहुंच गए तो डेफिनेटली यू विट कन्फ्यूज एंड यूटेक टाइम यही है न हाँ फिर बाद में लगा यू आर चेंजिंग द बुक और चेंजिंग द टीचर तो दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड कि हाँ मार्केट में व्हाट इज द बेस्ट यू गो देर यही कर सकते हो ना हाँ तो वो काम आपको करना है दैट इज योर टू मेक स्टूडेंट्स लाइफ इजियर वॉट आई हैव डन और इन व्हाट वे आई विल बी टीचिंग सो i have written a book also how many of you have seen that book or know that i have written a book okay fine so the best way is you attend classes here and after every class you read the book also the way these classes will flow in the same way exactly the book is also written exact same flow same thing so while if you are attending the classes here and then reading the book and if you have some confusion, then you can definitely come to me and ask. i cannot deny wrong because i am teaching here. what happens now? suppose you are attending any class of any subject and then you are uh, referring standard book. take it. and if there is a confusion, teacher can deny that i don't know but here, that is not the issue. i cannot say likh diya? so, and most of the examples, the way I teach here, almost everything is written there. So you can attend the classes here and can read the book. After that, I have prepared a question bank also. Some of you may be knowing. I have prepared a question bank. Everyone is solving to solve karna. Because in a subject which is a little bit technical, until unless you solve sufficient number of questions. यू वी एबल टू नो की वेदर यू आर गोइंग राइट और सो प्रैक्टिसिंग अट ऑफ क्वेश्चनिंग कॉन्सेप्ट ठीक है सो यू हैव अ क्वेश्चन बैंक ऑल्सो फ्री पी डी एफ इट इज देयर ठीक है सो यू हैव क्लास यू हैव बुक यू हैवे क्वेश्चन बैंक रिगार्डिंग डे टू डे न्यूज पेपर दैट आई ऑल्सो आई एम डूइंग एनालिस ऑन माई टेलीग्राम चैनल तो एक बार आप क्लास समझते हो देन यू वेरी इजिली यू कैन रीड द टेलीग्राम एंड यू कैन Understand those things. Ab, uh, see, like NCRT, for every subject, NCRT is quite good, you must read it. But for economy, it is quite confusing. Economy, the NCRT. Eh? There are a lot of, uh, if we talk about uh, 12th class NCRT, introductory macroeconomy, that is not written for UPSC students. उनका एक सिलेबस है दे हैव रिटन नाउ यू नीड टू फाइंड इट आउट कि व्हाट इज रेलिवेंट इन इट ठीक है व्हाट इज रेलिवेंट इन इट ओनली हाफ ऑफ द बुक इज रेलिवेंट एंड द वे दैट हाफ ऑफ द बुक इज रिटर्न वॉट इज रेलिवेंट जो रेलिवेंट भी है इवन दैट इफ यूल रीड यू गेट कन्फ्यूज यूल गेट कन्फ्यूज हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी पिछले साल 2022 तो वो देख के आते हो ना इस क्वेश्चन तो कुछ रिलेट करके हम बता सकते हैं राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑन एक्सचेंज रेट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एनईईआर आर सो इफ यू गो बाई एन सी आर टी सो एन सी आर टी में गलत लिखा है नॉट एग्जैक्टली exactly, गलत लिखा है फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है ठीक है तो कुछ क्वेश्चंस कुछ चीजें गलत लिखी है आपको बता रहा हूं कि क्या इशू क्रिएट होता है स्टूडेंट्स को ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई से रूपीज एट्टी डॉलर वन इज इक्वल टू रूपीज एट्टी दैट मीन्स इफ यू विल पे रुपीज एट्टी यू विल गेट वन डॉलर ठीक है नाउ यू कैन राइट दिस हैज रूपीज एट्टी पर डॉलर ऐसे भी आप लिख सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो राइट डॉलर वन बाई एट्टी पर रूपीज एक रुपए में कितने डॉलर इसीलिए सिंपल मैथ की जरूरत पड़ती है एक रुपए में कितने डॉलर होंगे वन बाई एट्टी विच इज कर देखो ये भी है इफ समिस इज गिवेन यू कैन से दैट रुपीज एट्टी पर डॉलर और वन बाई एट्टी पर रूपीज दोनों सही है दोनों सही है ठीक है एनसीआरटी में दिस इज गिविंग एनसीआरटी में दैट इज गिविंग अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन समझते हो नहीं समझते हो तो अच्छा चलो बताते हैं to get one dollar you are paying eighty rupees to get one dollar you are paying eighty rupees if you will have to pay more rupees to get the same one dollar that means rupees अच्छा yeah, yeah. जिसको अभी ना अभी जिसको समझ में नहीं भी आएगा ना तो please don't worry ठीक क्योंकि ये मैं एग्जैक्ट क्लास की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक है ना इन द क्लास आई be telling एंड एवरी every भी थोड़ा सा तो फास्ट या चलना पड़ेगा ना अदरवाइज समझ नहीं पाओगे कैसे सो आर गोइंग टू अटेंड द क्लास, डोंट आपको समझ में आएगा। की वैल्यू बढ़ गई डॉलर वैल्यू इनक्रीज तो डॉलर अप्रीसीट अगर ये वैल्यू एट्टी इंक्रीज होती है इफ दिस इज नाइन्टी पर डॉलर इंटी रुपीज पर डॉलर, तो रूपी विल डेप्रीसिएट तो अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो रूपी विल डेप्रीसिएट एंड इफ दिस नंबर इंक्रीजेस if this, number increases, if this number increases. If this number increases, then रूपी विल देखो हम डिटेल में क्लास में समझाएंगे अभी आई होप कि थोड़ा बहुत समझते हो गया इफ दिस नंबर इंक्रीजेस दैट मीन्स इन वन डॉलर यू आर गेटिंग नाइनटी रूपीज दैट मीन्स रूपीज लूजिंग वैल्यू और डॉलर इज रूपीज लूजिंग वैल्यू रूपीज लूजिंग वैल्यू बिकॉज Now you have to pay more rupees to get dollars. Yeah, ढंग से समझना आजी तो बताओ आजी समझा दे एकदम ढंग से ढंग से समझना है ओके ठीक है गिव मी जस्ट टू मिनट्स चलो एक टॉपिक ही आपको समझा देते हैं बहुत कंफ्यूजन किया ये टॉपिक सभी बच्चों को एनसीईआरटी में क्या फ्लॉ है वो हम बता देंगे पहले टॉपिक समझते हैं ठीक है ध्यान से सुनना ठीक है आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन सोल्व यू गो इन द मार्केट एंड परचेज पोटैटोस खरीदते हो लेट से लेट से रूपीज टेन यू आर पेइंग टू गेट वन के जी पोटैटो फाइन दिस प्राइस ऑफ जो आप ओ में पोटैटो खरीदते हो दिस प्राइस ऑफ पोटैटो विल डिपेंड ऑन वॉट वॉट फैक्टर्स ओके चलो एक चीज देखते हैं देर इज अ मार्केट ठीक है इफ द सप्लाई ऑफ और कॉन्सेंट्रेट करके सुनना ठीक है जब हम समझाते हैं तो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट द मार्केट इफ सप्लाई ऑफ पोटैटो इनक्रीजेस if the supply of something increases if the supply of something increases its value will decrease, decrease. if anything supply is too much value decreases so if supply of potato will increase its value will decrease. decrease so if there is too much of potato in the market value of potato will decrease value of potato will decrease means now your now your 1 kg potato will fetch less rupee right now your potato is fetching 10 rupees if there is too much of potato in the market value of potato will decrease and value of potato decreases means now your 1 kg potato will fetch less rupees right now there is some price of gold if today's all the coal mines of India get converted automatically into gold, there is too much of supply, its value will decline. So if in the market this price, who determines this price today? Today the potato price is determined by the market forces of demand and supply. So there is a market, and in this market there is some potato. So depending on the demand supply of potato, its price depends. So if or you have a basic concept, if anything, supply increases. So, if you are going to your relatives daily, your value will decrease. There is too much of supply. If your supply is increasing, value decreases. So, if there is too much of potato, then its value decreases. Value decreases means now your 1 kg potato will fetch less rupees. So, this rate in the market, the rate of potato in the market will depend on demand and supply of potato. If the demand of potato increases, there is two, two, uh, The supply is limited to, uh, and you all have started eating too much of chips and all this. So if there is too much of demand, then value of that thing increases. Value increases means now your 1 kg potato will fetch more. You can say, this statement can be said as in rupees 10 you get 1 kg potato or I can say that 1 kg potato is fetching rupees 10. So this price depends, this rate of rupee and potato, depends on demand and supply of potato and how it changes on demand supply now you understand okay so this rate of potato and i'm telling you the exact rate abhi wholesale mandi here in delhi every day trading is happening and every day the rate is getting discovered take every day in ajatpur mandi if you will go the rate may be different and that rate is determined by the demand and supply of potato now my question to you is दिस रेट इन द आजादपुर मंडी डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कोटेटो डज इट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग देखो हि सेट प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज अगेन बेसिकली सप्लाई मार्केट दैट इज अगेन डिमांड एंड सप्लाई आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अब आप बोलोगे कि कोई चीज पर्टिकुलर तो चीपर है देन यू ऑल्सो कंपेयर द क्वालिटी ना कीपिंग द क्वालिटी सेम हा कैन मी व्हाट दिस रेट इन द आजादपुर मंडी विल डिपेंड ऑन डिमांड सप्लाई ऑफ पोटैटो विल इट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग ओके ओके वन सेकंड

And how many of you think that it will move to 12? Okay. If traders do not have money in the market, so they will not purchase? Or very few traders have money, so they will try to purchase? So the demand is less? If a lot of uh, farmers have brought potatoes and no one has money to purchase, there is no demand basically. You demand potato through money. So, if you don't have money, you will not demand potato. So, there will be less demand. No one will be purchasing potato. Prices will decrease. Is there anyone from Mukherjee Nagar? The price of various products that students consume it is more in Old Rajendra Nagar and less in Mukherjee Nagar. For the same quality product. Why? Here, students are more rich. Are <laughs> a fact. Hai. Here, they have more money. So, through more money, they demand more products. So, if you have more money, you demand something by paying money. Na? If you don't have money, you cannot do So, if traders have more money, if traders have more money, this price will. सोच लो सपोज अच्छा वो ये क्यों ओके ओके लेट मी गेट टू दिस फील की कैसे होता है व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड आई यूज्ड टू आस्क माय फादर बिकॉज वी आर नॉट दैट वेल ऑफ तो आई यूज्ड टू आस्क माय फादर क्या गवर्नमेंट क्यों नहीं गवर्नमेंट शुड प्रिंट अ लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कोर्स ऑफ मनी एंड इट शुड गिव अस अगर आज की डेट में इफ गवर्नमेंट प्रिंट्स

If there is too much of money in this market any price discovery happens in a market. If there is something which is not being traded, price will not be discovered. Prices gets discovered in a market. Take ever trading happening. okay. So if traders have too much money, if traders have too much money, so if there is something of too much, its value,

and value of rupee will be less means you will have to pay more rupees to get the same 1 kg potato let me again repeat there was certain rupee there was certain potato it was getting traded at the rate of rupees 10 per 1 kg now somehow a lot of printed rupee came to the traders so supply of rupee increased सप्लाई ऑफ रूपी इंक्रीज वैल्यू ऑफ रूपी डिक्रीज वैल्यू ऑफ रूपी डिक्रीज मीन अर्लियर यू आर पेंग रूपीज टेन टू गेट वन के जी पोटेटो ना वैल्यू ऑफ रूपी एज डिक्रीज सो यू हैव टू पे मोर टू गेट वन केजी पोटेटो दैट मीन यू हैव टू पे फिफ्टीन सो इफ सप्लाई ऑफ रूपी इंक्रीजेज दिस प्राइस विल इंक्रीज इफ सप्लाई ऑफ रूपी इंक्रीजेज अभी बताया ना If supply of rupee increases, this rate will increase. Okay. If traders don't have money, if traders don't have money, so supply of rupee is less. If supply of something is less, its value will be more. So if supply of money reduces, value of rupee will increase. If value of rupee increases, earlier it was this if value of rupee increases that means now you can get 1 kg potato in just paying 8 rupees so if supply of money increases this will move to 50 if supply of rupee decreases it will move to 5 so this rate of rupee and potato will depend on two things demand and supply of potato and demand and supply of rupee it will depend only on two things demand supply of potato and demand supply of rupee. But so I am saying that the rate of rupee and potato will depend only on demand supply of potato and demand and supply of rupee. But the demand and supply of potato and the demand supply of rupee may depend on several other factors. This rate will depend only on demand supply of potato and demand supply of rupee. Now, if there is a drought, prices will go up. Now you will say, Ki, sir, I, I said that it will depend only on demand supply of potato. So drought is impacting demand supply. Hai. So I said that this rate will depend on only demand supply of potato and demand supply. So the rate hai. There are two things: rupee, potato. So it will depend on demand supply of potato and demand supply of rupee. But of course, demand and supply of potato and rupee may depend on several other factors. As a demand supply of rupee will depend on whether Modi is going to do again demonetization. But directly it depends on demand supply of potato and demand supply of rupee. The way you purchase potato, the way you purchase potato, in the same way you can purchase dollar. Just like potato, dollar is also you can consider it as a commodity. डॉलर इज कैन ऑल्सो फॉर द टाइम में यू कैन कंसिडर है कमोर जैसे आप पोटैटो यू परचेज पोटैटो इन आजादपुर मंडी और ओ आर एन एंड यू परचेज डॉलर इन देर एन ऑनलाइन मार्केट दर एन ऑनलाइन मार्केट फॉर एक्स मार्केट यू कैन गो एंड परचेज डॉलर ठीक है सो राइट नाउ देर इज अट वॉट इज दैट रेट हाँ ये आपको बहुत पता रह देखो ट्रेडिंग करते हो अच्छा किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप चलो पहले मैं पता था गुजरात ही ट्रेडिंग में आ गया बिहार इज आल्सो ऑल्सो है कोई नहीं ठीक है तो डॉलर वन इज कॉल्ड रुपीज एटी नो दिस रेट इज डिस्कवर्ड इन विच मार्केट फ़ॉरेक्स मार्केट फ़ॉरेक्स एक ऑनलाइन मार्केट है जिसका नाम क्या है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओके उसमें ये रेट डिस्कवर होता है दिस रेट विल डिपेंड ऑन डिमांड सप्लाई ऑफ डॉलर और कुछ दिस रेट विल डिपेंड ऑन डिमांड सप्लाई ऑफ डॉलर एंड डिमांड सप्लाई ऑफ रूपी दोनों पे डिपेंड करें ठीक है दोनों पे डिपेंड करें तो अगर आप एक डॉलर देते हो तो आपको अस्सी रुपए मिलते हैं एट्टी रुपीज दिस रेट इज कॉल्ड नॉमिनल एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट ठीक है समझ गए और अब आप बता सकते हो कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट अप्रिसिएट करेगा या डिप्रिसिएट करेगा अप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग डिप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग ठीक है सो दिस रेट यू कैन राइट रूपीज एट्टी पर डॉलर और यू कैन राइट डॉलर वन बाई एट्टी पर रूपीज डॉलर वन बाई एट्टी पर अच्छा वन बाई एट्टी को कैलकुलेट कितना आ रहा है डॉलर डेसिमल में बताना इतना ना हा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो इफ दिस नंबर दिस इज इंडिया नॉमिनल एक्सचेंज रेट सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैन बी रिटर्न एज दिस ऑल्सो एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैन बी रिटर्न एज दिस ऑल्सो ठीक है नॉमिनल एक्चेंज रेट कैन भी रिटर्न एज दिस ऑल्सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैन भी रिटर्न एज दिस ऑल्सो ये सब हमने लिखा हुआ है मिल जाएगा आपको बुक में ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है हां अब बताओ आंसर बताओ इफ दिस 80 इज इंक्रीजिंग इट इंक्रीज टू 90 यहां से चेक करो इफ दिस इंक्रीज टू 90 दैट मीन्स रूपी डेप्रिसिएटिंग ठीक सो सुनो कोई इफ दिस इंक्रीजेज दैट मीन्स रूपी इज अप्रिस अप्रिस ठीक अच्छा इफ एन वैल्यू ऑफ एन ई आर इफ वैल्यू ऑफ एन ई आर देन रूपी इफ वैल्यू ऑफ यहां से देख के आपको बताना है इफ वैल्यू ऑफ एन ई आर इनक्रीजेस रूपी हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट इफ वैल्यू ऑफ एन ई आर रूपी डेप्रिसिएट्स डेप्रिसिएट करा देखो यहां पे, इफ दिस मूव्स टू नाइन्टी रूपी डेप्रीसिएट्स ओके इफ दिस वैल्यू सो इफ दिस एक मिनट इफ एन ई आर इफ एन ई आर इनक्रीजेस रूपी डेप्रिसिएट्स यहां पे इफ एन ई आर इंक्रीजेस देन रूपी विल ठीक है एक से एक से मैंने बोला कि अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो ठीक है आई आस्ट इफ दिस वैल्यू इंक्रीजेस दिस वैल्यू इंक्रीजेस मींस दिस एट्टी इज कमिंग टू सेवेंटी आई आस्ट दैट इफ दिस वैल्यू इंक्रीजेस ट मींस दिस इज डिक्रीजिंग इट इज कमिंग टू सेवेंटी यही हम एक्सपेक्ट किए आप लोग से कि बेसिक मैथ्स ठीक है सो इफ इट इज आई आस्क दैट इफ दिस वैल्यू इंक्रीजेस दिस वैल्यू इंक्रीजेज मीन्स दिस इज कमिंग टू सेवेंटी इफ दिस इज कमिंग टू सेवेंटी रूपीज अप्रिसिएटिंग यहां पर अगर ये सेवेंटी आर देखो समझा हाउ टू थिंक You are, you are paying 80 rupees to get $1? You are paying 80 rupees to get $1? If you can get $1 just by paying rupees 70, that means its value has increased. To get $1 now, you are paying just rupees 70. So, if this number has increased, that means this has come to 70. Yes. If this number has increased, this means this has come to 70, and this has come to 70 means rupee has appreciated. doubt. You have doubt, okay. This is the rate. This is the rate. Right now I am paying rupees 80 to get $1. If rupee appreciates, that means rupees value increases. If rupee value increases, that means I can get the same $1 in paying less number of rupees. Yes, if value of rupee increased, right now the fees of an academy here is 1 lakh rupees. If value of rupee decreases, you will have to pay more rupees to get the course. If rupee value increases, then you will have to pay. Less. Less. Yes. Okay. So, or you can understand another way. In one dollar, you are getting 80 rupees. Now, if in one dollar you are getting just 70 rupees, so dollar value decreased. And dollar value decreased means rupee value increased. Okay. Samjani Yes. It will take some time to digest. Huh? किसको किसको डाउट है प्लीज टेल ऑनेस्टली हम्म अच्छा अभी आप बीस रुपए देकर के ओल्ड राजेंद्र नगर में यू गेट ए टी राइट बीस रुपए मिलती कितने रुपए मिलती है या चाय पीते ही नहीं हो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है <laughs> कॉफी पीते हो कुछ तो पीते हो गए कॉफी <laughs> पीते हो चलो फिफ्टी रुपीज में यू गेट अ कप ऑफ कॉफी राइट फिफ्टी रुपीज में ध्यान सुनना फिफ्टी रुपीज में यू गेट अ कप ऑफ कॉफी इफ रूपी लूजेज इट्स वैल्यू इफ रूपी लूजेज इट्स वैल्यू देन डू यू थिंक दैट इफ यू पे रूपीज फिफ्टी द कॉफी शॉप विल गिव कॉफी नो इफ रूपी हैज लॉस्ट वैल्यू यूल है एंड इफ रूपी हैज गेन्ड वैल्यू इफ रूपी हैज गेन्ड वैल्यू सो यू कैन गेट ए कप ऑफ कॉपी जस्ट बाई पेंग नंबर ऑफ रूपीज बिकॉज नाउ दैट वैल्यू ऑफ रूपी हैज इंक्रीज ठीक है कुछ कुछ आ रहा समझ में when you are solving any economy question, assume other things constant. demand increases, but h is constant. just say, for example, if something value decreases, other demand increases. the net effect okay? okay, so here i was explaining, if this number increases, that means this moves to 70. if this moves to 70 rupee, rupee appreciated. Hai na? इफ दिस नंबर इंक्रीज रूपी अप्रीसीट समझे उसी आप कैलकुलेशन में हुए हाँ? चलो बाहर आप पूछ लेना और किसी को कोई डाउट नहीं डाउट ओके okay. तो एनआर इंक्रीज हो रहा है तो रूपी डेप्रिसिएट हो रहा है एनआर इंक्रीज हो रहा है तो रूपी अप्रिसिएट हो रहा है इफ यूपीएससी आस्क क्वेश्चन

देखो आइडियली 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 वी शुड नॉट से आइडियली वी शुड नॉट से दैट नॉम एक्सचेंज रेट इज इंक्रीजिंग सुन जो हम बोल रहे उसको सुनने में दिखना लगाओ डोंट राइट अदरवाइज आप इकोनॉमिक्स समझ नहीं पाओगे जो भी आप लिखना चाह रहे हो वो हमने बेटर तरीके से लिखा हुआ है बुक में ले लेना ठीक हा सो so, आई से एन आर इज इंक्रीजिंग ठीक है इट इज नॉट ए वेरी गुड वे टू से मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू ऑफ इफ और एन ई आर इज इंक्रीजिंग राधर देन दिस वी शुड से रूपीज अप्रीसीटिंग ऑर डेप्रीसिएटिंग नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज इंक्रीजिंग ऐसा जनरली हम नहीं करते इट क्रिएट कंफ्यूजन यू से रूपीज अप्रीसीटिंग और डेप्रिशिएटिंग देर इज नो कन्फ्यूजन बट एन ईर इज इंक्रीजिंग

And CRT has also written this. So I also in my book I also wrote like this. Okay. Then I did a lot of research. Then I got that RBI expresses in this way. RBI expresses in this is rupee versus dollar. दिस इज डोमेस्टिक करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू अब्रॉड करेंसी दिस इज अब्रॉड करेंसी विथ रेस्पेक्ट टू डोमेस्टिक करेंसी ठीक है दिस इज अब्रॉड करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक करेंसी आप टेन रूपीज पर के जी पोटैटो भी कर सकते हो और वन बाई टेन के जी पोटैटो पर रूपीज कर बट दिस आर बी आई सेज द स्टैंडर्ड A broad currency with respect to domestic. This is the standard. If we say appreciate or depreciate, there is no confusion. But if we say NER increasing, NER can be calculated in this way also. NER can be calculated in this way also. So if we say NER increasing,

But let me clarify, students, ki, there are two things, but standard is this. For UPSC, wage is. Which? In the last exam, if you will see the question, UPSC says if NER is increasing, if NER is increasing, if you take this, if you take this way, if NER is increasing, the statement is if NER is increasing, rupee is appreciating. स्टूडेंट्स ने गलत मार्क कर दिया बिकॉज एनसीआरटी ने यह लिखा था ठीक है एनसीआरटी केयर, तो गलत नहीं है बट एनसीआरटी केयर, एनसीआरटी कैन एक्सप्लेन की भाई वी टूक दिस वे ठीक है बट स्टूडेंट्स विल पुट अ टैग ऑन मी क्या विवेक सर ने तो पढ़ाया ही नहीं तो so, हमें अपनी इज्जत की ज्यादा चिंता रहा था एनसीआरटी को अपनी इज्जत की ठीक है सो आई रोट बोथ एंड आई टोल्ड इन बोल्ड लेटर्स दैट दिस इज द स्टैंडर्ड दिस सो ऑल द स्टूडेंट्स हु हैड स्टडीड फ्रॉम मी और जिसने बुक पढ़ी थी दे मार्क इट राइट ये गलती है एनसीआरटी और भी कुछ कुछ गलतियां इवन टूडे योर एनसीआर से जी डी पी इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट इवन टूडे इट्स। और जैसे प्रिलिम्स अप्रोचेज डेली दस को मैसेज आएगा सर एनसीआरटी से दिस, दिस, अदर आर द राइट आंसर क्योंकि यहां पर जो लोग भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जैसे भी ना ब्लाइंडली दे फॉलो एनसीआरटी अच्छा इस केस में एनसीआरटी से इज दिस आरबीआई से दिस स्टैंडर्ड

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस price. मार्केट प्राइस विच take? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये इशूज हैं एनसीआरटी में अब ये जो हम आपको समझाए ये किसी बुक में नहीं मिलेगा ठीक है सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से यूपीएस

समझ रहे हो अब ये इस तरह से कौन बताएगा आप ऐसे पढ़ोगे कहीं YouTube में कुछ है कुछ है, आप गेट कंफ्यूज एंड यूल टाइम अरे हमने भी एफर्ट लगाया ना कि नहीं लगाया है ना हाँ तो इतना रिसर्च करके इतना एफर्ट दिया है दस साल से कर रहे हैं तो आई हैव डिजाइन अ पर्टिकुलर बुक और सिलेबस क्या है दिस ये पढ़ाना है दिस वे आई नीड टू टीच तो स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आएगा एंड दे कैन एंड इट ऑफ कोर्स आप खुद से भी यू कैन क्रैक यूपीएससी बट यू मे टेक फोर फाइव टाइम्स मोर टाइम अब आपको देखना है दैट आपके फाइनेंसिस कितने अलाउ करते हैं एंड हाउ मच टाइम डू यू हैव ठीक है तो सम आस्क दैट कि सर करना चाहिए नहीं करना चाहिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट इज योर लेवल एंड एट व्हाट एज ब्रैकेट यू आर कुछ लोग कॉलेज में हैं देन ट्राई स्टार्ट रीडिंग ऑन योर ओन कुछ टाइम पढ़ सकता है बट इफ यू आर टू मच कंसर्न अबाउट द टाइम एंड यू शुड भी कंसर्न अबाउट द टाइम ठीक है देन कोचिंग हेल्प इन सेविंग टाइम इट गिवस यू कॉन्फिडेंस देर आर एडवांटेजेस टॉपर्स जब भटक भटक के इधर कोचिंग उधर गए सीख जाते हैं हो जाते हैं नॉट रिक्वायर बट वॉट टाइम दे हैव लॉस्ट इन डूइंग ऑल दिस डोंडरस्टैंड

तो प्रॉपर तरीका फॉलो करना है एनसीआर गुड बुक्स फॉर अदर सब्जेक्ट बट इकॉनमीजअअ बिकॉज दे फॉर यू न ठीक है तो इन माई बुक आई हैुक की भी एक लिमिटेशन है राइट right? जो यहां पर हम समझा सकते हैं दैट कैनोट भी एक्सप्लेन थ्रू बुक समझ गए तो यू हैव टू टेक अब उसको वर्ड बाई वर्ड यू हैव टू अर्न सिंपल वे है इफ सपोज यू आर प्लानिंग दैट अच्छा कोचिंग नहीं करते खुद से करॉज लॉट ऑफ पीपल से दैट टॉपर से कि यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन सो यू स्टार्ट रीडिंग यूर ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ हिस्ट्री पॉलिटी इकॉमी बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन वॉट इज दॉल्यूशन गो एंड द्लासेज यही तरीका ना कि और क्या कर सकते हो आप ठीक है सो वॉट एवर टॉपर से देर इज अ बैकग्राउंड टू इट वो आपको क्या करना है क्लियर है ओके चलो यूपीएससी का पिलिंस का देखते हैं कुछ पीपीपी uh, भी समझना चाहते हो परचेजिंग पावर पैर अच्छा मेन्स पर ठीक है चलो थोड़ा सा पिलिंस का और वो हम पैटर्न बता देते हैं देन वेलकम टू मेन्स दिस डे बाई डे क्वेश्चंस आर गेटिंग अ लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल एंड टफर ठीक है एंड यू नीड टू जैसे कुछ लोग अभी आए थे स्टूडेंट्स में भी शायद आप लोगों में से कोई रहा जैसे कुछ इंपोर्टेंट बता दीजिए मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन टू हैंडल इंपोर्टेंट अरे क्या इंपॉर्टेंट बताए यूपीएससी आजकिंग एनीथिंग यूपीएससी एक्सक्लूड्स एनीथिंग विच इज इंपोर्टेंट विच यू फील इंपोर्टेंट ठीक है ना थॉरो स्टडीज मस्ट देर इज नो शॉर्टकट एट ऑल देर इज नो शॉर्टकट एट ऑल तो पूरा पढ़ना पड़ेगा घिसना पड़ेगा नो अदर वे आउट ठीक है डोंट ट्राई टू गेट इन टू शॉर्टकट सम पीपल आस्किंग सर आपकी बुक में पंद्रह चैप्टर हैं जस्ट टेल मी द इंपॉर्टेंट वंस स देर आर फ्यू चैप्टर्स जिसमें अलॉट ऑफ क्वेश्चन कम बट यू नीड टू फॉलो द दर बुक चिंता नहीं करो पहले खत्म कर देंगे नॉट सिक्सटीन में हाँ, सो देखो प्रिलिंस में जनरली यूपीएससी इज़ आस्किंग अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन एवरी इनका वी कैन डिवाइड इन टू कॉन्सेप्चुअल एंड करेंट See that important. therefore. 2013 all conceptual, no current. Then it changed in 2016. yeah go. Yeah. So from 13 to 16, total change. Okay, no concept, all current. And now you see, we have mostly last three four years mostly conceptual questions are coming. ठीक है आई एम नॉट सोइंग दिस फॉर यू सो दैट कि आप गेस कर सको नो द दर्पज इज नॉट दिस मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में क्या होगा आई एम जस्ट सोइंग देखो ऐसा ट्रेंड है एंड इकोनमी में ना यू कैन नॉट डू करेंट विदाउट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है सो दिस इज द वे इट इज चेंजिंग

ते हैं फॉर इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है अर्लियर वेन द स्टेटमेंट यूज टू कम टेन ईयर्स बैक दीज व्यर सिंपल स्टेटमेंट जस्ट बाई मगिंग अपन हैंडल बट टूडे द स्टेटमेंट्स आर मोर टेक्निकल इन नेचर ठीक है दे आर मोर टेक्निकल इन नेचर फॉर एग्जाम्पल चलो एफ डी आई का निकल ये सीधी सी स्टेटमेंट ये ट्वेंटी ट्वेंटी का है रीड दिस क्वेश्चन वॉट इज द आंसर डी तो आपने याद किया है मैंने इसमें लैंग्वेज चेंज किया है सो रीड इट केयरफुली देखो व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न चेंजिंग अर्लियर ना यूपीएससी पी टू सी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड थिंग्स तो आप पढ़े हो इफ यू हैव रिम्बर्ड यू विल बी एबल टू टीक नाउ दे आर लिटरली ट्राइंग टू चेक योर कॉन्सेप्ट ठीक है तो दे गो एंड चेंज दैट लैंग्वेज एट दैट लेवल जहां पे विदाउट थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यू कैन नॉट हैंडल लैंग्वेज इस दिस क्वेश्चन इज वन वर्ड विच हैज चेंज द होल डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट वर्ड इज तो जैसे मनी सप्लाई कैसे होता है ना अंटेनलेस यू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक्स एंड ग्रिटी ऑफ मनी सप्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यू डू तो पूरी टेक्निकलिटीज अंडरस्टैंड करनी होगी ठीक है नाउ आई टीच दिस टॉपिक इन टू आवर्स तो अभी तो मैं समझा नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली exactly, पूरा ब्रॉड बट दिस वर्ड इसकी वजह से सब चेंज हो गया आंसर क्या कर लोगे देखो इफ दिस वर्ड इज देयर देन द आंसर इज दिस इफ दिस वर्ड इज नॉट देयर देन इफ यू ड्रॉ इन कैस फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट इटव द इमीडियट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी Then I need to change certain options. If I remove this word, If I have removed and forget about these options. I withdrew rupees 1 lakh in cash from my deposit. Now forget this question. I am asking a question. I went to the bank and I withdrew 1 lakh rupees. What will be the impact on money supply? Not immediately, in general. So, I withdrew 1 lakh rupees from my bank account, what will be the impact on money supply in the short term, in the next 1 month, 2 months, 2, 6 months? How many of you think that it will remain unchanged, money supply will remain unchanged? How many of you think that it will remain, it will change? How many of you think that it will change? After one चेंज में भी नहीं हाथ उठाया था अनचेंज में भी हाथ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं उठाया था कन्फ्यूज तो देखो मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि मिनट में समझा देंगे आपको नहीं पॉसिबल वो कहां से स्टार्ट करना पूरा एक एक क्रिस्टल क्लियर होगा नाउ आई नो कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो कैसे पढ़ते हैं अच्छा डिमांड वो रट लेते हैं दिस डिमांड ऑफ और वहां पे वो नाउ यूपीएससी इज डिलीवरेटली हल्का सा लैंग्वेज चेंज करेंगे एंड ठीक है तो नाउ मोर रिक्वायर्ड इस तरह के सेशंस जो है ना ऑनेस्टली बताए मैं लेना ही नहीं चाहता हूं द पीपल आउटसाइड दे रिक्वेस्टेड सर प्लीज क्योंकि जैसे आप लोग जिस स्टेज पे हो द बेस्ट वे इज यू कम आई विल टीच इकोनॉमी इन हंड्रेड आवर्स ईच एंड एवरी क्लियर खत्म ठीक और आप लोग पढ़ लिए हो समझ गए हैं बट थोड़ा सम डाउट इज रिमेनिंग थोड़ा बहुत देन आई के दिस दिस थिंग्स यू नो लेट्स स्टार्ट ऑन टॉप ऑफ इट ठीक है तो दिस फोर्टी फाइव मिनट वन आवर सेशन मैं ऐसा क्या जादू कर दूंगा कि आपको सब नहीं समझ में आ सकता ठीक वट आई एम सेंग इज एवरी ईयर इ टफनेस ऑफ द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग ठीक है ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टेक्निकल होते जा रहा है फॉर दैट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट इज मस्ट यू कैन नॉट जस्ट मग अप जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी फॉरगेट अबाउट फॉरगेट दिस स्टेटमेंट ये मैंने अपने लिए लिखा है रीड दिस क्वेश्चन और आप लोग को लगता है कि कुछ फील आता है देन यू मे आउट कि क्या हो सकता है चलो देखो अब जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स है नाउ आई नो दैट अलॉट ऑफ पीपल यू मे पीपल डोंट अंडरस्टैंड बॉन्ड्स तो पहले बॉन्ड पढ़ाना है एक घंटे में फिर इन्फ्लेशन पढ़ाना है फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इट रिक्वायर्स टाइम है बट फिर भी अगर आप आपको आप देखो सो फर्स्ट लेट मी आस्क यू चल देख लो आप टू मिनट साइलेंस यू जस्ट इट सो हाउ मनी ऑफ यू थिंक दैट डे कैन टू अ सर्टन एक्सटेंट हैंडल दिस क्वेश्चन कितने लोग कर सकता है कि थोड़ा सोच सकते हो मतलब ट्राई कर सकते हो आंसर ओके तो ऑल दोज हुन ट्राई बताओ क्या होगा आंसर हाउ मैनी ऑफ यू थिंक सी हाउ मैनी ऑफ यू थिंक एके

अच्छा कोई बीच में कुछ कॉन्फिडेंटली बोल देता है ना तो डोंट गेट अफेक्टेड बाय दैट यू अप्लाई योर लॉजिक एंड यू कैन थिंक फॉल्स थिंकॉल्स एक्ट है How many of you think false? Hai? And how many of you think it is true? For us, some other inflation index bonds. Okay. So, just give me five minutes. By the way, this is false. When you keep money, suppose you kept money in one, uh, one lakh rupees in a bank, presently, what is the interest rate on fixed deposits? Kitna the फाइव डाइव इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट ठीक इफ यू टुडे कीप वन हंड्रेड सेवन रुपीज ठीक है इज टू मच ऑफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर यू लूज बेसिकली योर वैल्यू ऑफ मनी विल बी लिस ठीक है योर वैल्यू ऑफ मनी विल बी ठीक है ना नाउ व्हाट हैपेंस इन वेल्यू नाउ सपोज जैसे यू डिपॉजिट इन गॉट रुपीज हंड्रेड बॉन्ड रुपीज हंड्रेड बॉन्ड सो इफ यू आर डूइंग एफ डी फिक्स डिपोजिट एंड यू आर गेटिंग सेवन परसेंट ठीक नाउ इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस टू मच इफ सपोज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस फिफ्टी परसेंट So, you will lose next year or gain? Lose because all the prices will increase by 50% and your money is increasing just by 7%. So, you will lose. So, for that, we brought in inflation indexed bonds. Now, what happens in that? What happens in that? So, in inflation indexed bonds, so this is zero year this is first year second year the institution which is offering they will say okay we are just giving 2% interest we are giving 2% interest which is quite less but we will keep on increasing this is principle Amount that you that you initially deposited. So in inflation-based bonds, the institution promised you that they will keep on increasing the principal by the inflation amount. For example, if inflation is five percent, or let's say if inflation is if inflation is twenty uh, percent. So this will be increased by to 120 and you will get 2%, this is interest, this you, you will get, 2% interest you will get on this, 2%. So you are getting this interest on the increased principle. This principle is increased by the inflation amount. If next year inflation is fifteen uh, percent, so this will get increased. inflation can be negative also. Inflation can be negative also. So what I am saying is, if the principal is increased by inflation, that means you are protected. So every so this interest is less, but you are getting on the increased principal. ठीक है? यू आर गेटिंग ऑन द इनक्रीज प्रिंसिपल समझ गए इसको डिटेल में हम लोग क्लास में समझेंगे सो so, पिछली बार ये स्टेटमेंट थे इफ इन 2023 दे आल्सो इंक्लूड दिस स्टेटमेंट इन्फ्लेशन कंपोनेंट ऑन प्रिंसिपल विल बी पेड विथ इंटरेस्ट तो प्रिंस इन्फ्लेशन कॉम्पोनेंट ऑन प्रिंसिपल देखो सो दिस प्रिंसिपल की इंक्रीज प्रिंसिपल विल गेट द इनक्रीज प्रिंसिपल यहां पर सपोज को इंक्रीज प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी यूल नॉट बी गेटिंग द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एनुअली You will get the principal increased principal at maturity. So inflation component on principle will be paid with interest. No. Inflation component on principle, ultimately, you are getting at the maturity time. Or we was arising complexity in a real and nominal interest rate. It takes a lot of time. What I am trying to say is now the depth of the questions is quite good. So you need to understand in you know, a crystal clear. Orange. ठीक है इफ यू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट इकॉनमी प्रिलिम्स है मेन्स प्रिलिम्स इज अ लिटिल बिट ऑन अ टफर साइड एज कंपेयर टू मेन्स इकॉनमी मेन्स क्वेश्चन आई कंसिडर इट क्वाइट इजी काफी इजी होता है ठीक है रिलेटिवली इजी होता है रिलेटिवली देखो कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि आपने समझा ही नहीं है दिस इज प्योर कॉन्सेप्ट एंड टेक्निकल नहीं समझे हो तो कंफ्यूजन रहेगा तो टेक्निकल है देन योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी हंड्रेड परसेंट क्लियर थोड़ा थोड़ा क्लियर है आई डोंट एक्सेप्ट ठीक है मेंस क्वेश्चंस जनरली नाइन टू टेन क्वेश्चंस होते हैं वी हैव मेंस ट नाउ मोस्टलीस्ड अप्लाइड क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन मीन्स है किसी ने सुना है वर्ड Why we have jobless growth? Achha, okay. If we have jobless growth, if we have jobless growth, then productivity of labor is increasing or decreasing? Jobless growth means we have we are having growth but jobs are not getting created. that's to no jobless growth means we are having growth, but jobs are not getting created. that means we are having growth with the same number of labor. if jobs are not getting created and we, and we are having growth, growth means output is increasing. so if we are in jobless growth, Growth is happening, output is increasing, and jobs are not increasing. So, if output is increasing with the same number of labor, that means per labor production is increasing. First question of Basparlu economic growth in the recent past has been led by increase in labor productivity. increase in labor. productivity. economy there are a lot of negative things also. so some say that our labor productivity is decreasing. feel that our labor productivity and all this, right? but this is not exactly true if our output has increased and jobs has not increased, that means our labor has become productive. okay, tell me one thing. post-covid, when the coaching institutes shifted online, when the coaching institutes shifted online, online productivity of labor increased or decreased? How many of you think that productivity of labor post COVID in educational institutes, coaching institutes, when we shifted to online? How many of you think that productivity of labor increased? And how many of you think it decreased? Okay. So consider me as a labor. I am doing work here. Suppose you are hundred people. You paid one lakh. Rupees each fee. So you paid one crore rupees. Output of this institution is one crore. Input is Vivek. So Vivek produced one crore rupees of output. Vivek produced one crore rupees of output. And if I am uh, taking four, five, six batches, so six crore output and one labor. in online institute so in physical institutes when the institutes were physical there were economy teachers all over india in every state every city or every at least capital upsc coaching institutes were running right let's say there were 30 economy teachers teaching certain students when we shifted online one labor one teacher can teach all over india and to a certain extent, it happened also. So, output you all paid the same fee, suppose. So, you studied, but less labor produced the same output. Productivity increased. Unemployment increased. If output increased, if output increased, with the same number of labor, that means productivity of labor has increased. Every Jobi uh, Pishlevar, all the students who wrote mains, everyone knew jobless growth because this term is there since last 10 15 years, it is in the economy. Everyone who writes mains, they know this word jobless growth. That jobs have been created, uh, sorry, output has increased, growth has happened, but jobs have not been created. Everyone understands when this question came, they did not mention jobless growth. that was the biggest mistake. they were not able to relate with this. Jobless growth, if this question came, and you did not mention about jobless growth that india jumped from agriculture to services directly. so you will not get marks. so when this question is economic growth in the recent past has been has been led by increase in labor productivity so you will have to write that our economic growth happened through services it was jobless growth we increased the output of the economy without creating jobs that means our labor is becoming more productive so now they are asking application based questions now, without labor productivity exact idea Then you will not be able to handle the question. Either prelims or mains. So, since competition increases, the depth of the question increases, and there you require thorough understanding of this subject, which cannot come through YouTube or others. You'll have to attend the class. Of course, you can do on, on your own also. But if you doubt, you must do that because it saves your time and gives confidence. For this subject, the strategy is very simple attend the class read the book handle the question then so, and don't try to write answers right now once you understand isme first day i answer answer if the statement is clear here you will be able to write a thoda practice some practice is required but at least you should have understanding right? तो फर्स्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड आप ही बोल रहे थे ना मेंस तो मेंस का भी तरीका सिंपल यू नो दैट वॉट आर द प्रेजेंट इशूज इन दे कॉन इधर एग्रीकल्चर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इशू पता है देन प्रैक्टिस ऑफ आंसर विल इंप्रूव योर आंसर ठीक है और तो मेरी तरफ से इतना ही एनी वन किसी को और कुछ पूछना है बुक का नाम ना। ना। इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह सेवेंथ एडिशन ध्यान रखना इट इज इट विल बी रिलीज्ड अभी कल तक मैं कंप्लीट कर दूंगा इट विल बी रिलीज्ड बाय फिफ्टीन 16 अप्रैल मैंने आई थिंक टेलीग्राम पे पोस्ट डाल दिया है जॉबलेस ग्रोथ कम्स अंडर विच चैप्टर ऑफ माई बुक देखो ये दिस टॉपिक आई टीच इन टू टॉपिक्स पहले तो प्रोडक्टिविटी का एक चैप्टर उसमें आई टीच वेयर आई एक्सप्लेन द टेक्निकल कॉन्सेप्ट एंड देन अप्लाइड इशू बेस्ड विन आई टीच देन आई रिलेटेड वॉज अपनिंग इकोनमी इन सेवन हाउ वी मूव फॉरवर्ड ठीक है वॉट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस विस आर डिट ठीक है टेक्निकल कॉन्सेप्ट थिंक दैट मेन्स जो है ना दे कैन जस्ट मगअप द नोट एंड दे कैन राइट द आंसर यू नो दैट पेपर थ्री मार्क्स आर नॉट इंक्रीजिंग मेन्स में स्टूडेंट्स की पेपर थ्री के मार्क्स इंक्रीज नहीं होते नॉट एबल टू टच हंड्रेड द रीजन इज दिस बिकॉज अट ऑफ स्टूडेंट्स फील दैट इंक्लूसिव को चार पॉइंट याद कर लेंगे एंड दे गुड आंसर नो इफ यू डोंट नो द बैकग्राउंड ओके टेलमी वन थिंग

फिक्स बुक्स की ये बुक्स पढ़नी देर आर टू मेनी सोर्सेज और वो आपको डिसीजन देते हैं ठीक है भाई बहुत देखो इन इंडिया बिकॉज ऑफ द मार्केट इकोनॉमी पोस्ट 1991 इन एवरी फील्ड देर आर टू मेनी प्रोडक्ट्स कार की अगर हम बात करें आज से 20-25 साल पहले यू गो इधर बाई एम्बेसडर या एक और कार रही हो फीएट और समथिंग आज की डेट में यूट्यूब पर फीडबैक देख देख के ना पता हो जाएगी कौन सा खरीदेगा टू मेनी ऑफ प्रोडक्ट सेम इजो बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां से पढ़ना और क्या बुक पढ़नी यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ टफ थिंग टू डिसाइड ठीक है और ये सेशन मतलब कोई भी टॉपिक ढंग से समझाया नहीं जा सकता तो so, जब क्लास होगी, और डाउट किसी को कोई डाउट नहीं yes. है। मुझे नहीं पता है कि कोई प्रोवाइड so, देखो ऐसा है कि देखो दैट आई हैव नॉट नॉट ठीक। दैट आई हैव सीन ऑनेस्टली और क्या बताएं? देखो हमने जो बुक लिखी है ना इट्स सेवेंथ थर्टी हमने इसलिए लिखी है ताकि स्टूडेंट्स परेशान ना हो मेरे स्टूडेंट्स इधर उधर भटके नहीं दे शुड नॉट रीड की कभी ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया कंफ्यूजन में दैट इज द रीजन दैट आई वूड इट समझिए यार जो मैं दस साल से पढ़ा रहा हूं जैसे स्टाइल विल नॉट चेंज ठीक है स्टाइल मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का वो थोड़ी चेंज हो जाएगा इंडियन इकॉनमी बाय विवेक सिंह वेट कर लो एक सप्ताह दस दिन बाद लेटेस्ट एडिशन आने वाला सेवन बट यू कैन फॉलो मैं देखा देखना वो भी आप फॉलो कर सकते हो एटलीस्ट देखो यूपीएससी में आई थिंक कि दो बुक तो होनी चाहिए मतलब एक सब्जेक्ट का ना एक सब्जेक्ट का दो बुक तो होना चाहिए ऐसे तो मैं नहीं कहता हूं बट द नेम दैट यू टू प्लीज डोंट रीड दैट इट्स डोंट रीड दैट इट्स वेरी कंफ्यूज उसको कुछ भी पढ़ लेना डोंट रीड दैट बाकी ऑफ द कैमरा ठीक है तो इतना ही तो हम लोग का टेंथ से बैच वी आर स्टार्टिंग द बैच इवनिंग बैच फाइव टू सेवन थर्टी बट एक चीज में जरूर बताऊंगा दैट यू हैव गॉड यू हैव कम ईयर एट द राइट प्लेस यू द बेस्ट फैकल्टीज इसमें मुझे कोई डाउट नहीं uh, और एक और सब्जेक्ट स्टार्ट होगा फिर और आपको पहले से कुछ भी पढ़ के आने की जरूरत नहीं यू कम यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिस ठीक है थैंक यू सो मच हाँ देखो आ, वी टेक टू सब्जेक्ट्स टाइम ठीक है ना तो वो पहले एक दिन इकोनॉमी होगी या पॉलिटी होगी वो तो कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता ना फर्स्ट थ्री डेज इकोनॉमी होगी या फर्स्ट थ्री डेज पॉलिटी होगा वो तो डिसाइड हो। हां होगी वो हो, होगी हो। ठीक है ओके देन